गवर्नमेंट सर्वेंट जो अदर स्टेट का जॉब कर रहा हूँ, लोकल के अलावा तो नहीं आया था। पहली बार कहीं ऊंची जगह पहुंचे हैं हम, है ना। चारों तरफ जंगल ही जंगल और हम पूरी तरह से भटक चुके हैं यार। आगे, अरे आगे कुछ गेट सा नजर आ रहा ना, चलो उधर निकलते हैं, हो सकता है रोड वगैरह मिल जाए उधर, है ना। वो सामने किसी की प्रॉपर्टी है, उसका गेट नजर आ रहा है, तो आसपास कहीं आज तो भैया खतरनाक जंगल से निकल कर आए हैं और रास्ता भटक चुके हैं। हमें किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी नजर आ रही है, उसका गेट दिख रहा है, उसके आसपास हो सकता है कि हमें कहीं बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। यहाँ पगडंडी मिली है हमें, हो सकता है इस पगडंडी के रास्ते हम चले तो हमें इस जंगल से एग्जिट का रास्ता मिल जाए। यार अपन को दूर से ऐसा लग रहा था जैसे गेट है ना, गेट तो नहीं है लेकिन किसी की प्रॉपर्टी की बाउंड्री है। भैया हम तो फंस चुके हैं यहाँ पर भी, अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? ये तो अब ये तो बाउंड्री ब्लॉक है, ये तो बिल्कुल बाउंड्री ब्लॉक है, हम किसी बाउंड्री में फंस चुके हैं ना। ये गंदा पानी है शायद, ये गंदा पानी है, देखो ऐसे साफ दिन दिख रहा शायद। पक्का क्रॉस करते हुए नाला फिर से या रिवर फिर से आएगी। इस बाउंड्री के सारे सारे चलते हैं ना, ये कुछ दलदली इलाका लग रहा मुझे, है ना। हो सकता है हमें ये पगडंडी बाहर निकाल दे।
आई थिंक ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, इसलिए बाउंड्री तारबंदी की हुई है। हाँ, ये फिर से कंटीली झाड़ियाँ हैं। ओए वो छुप गई यार। अंधेरा होने वाला, हम फंस जाएंगे यार। है रास्ता कुछ आगे? कोई ऑप्शन नहीं आगे बढ़ो। वापस जिस वापस चले उसी रास्ते से। फंस जाएंगे यार अपन। आगे बढ़ो, गए कांटे, आगे बढ़ो भाई। है रास्ता, हम फंस चुके हैं यार यहाँ। ये बहुत कांटे चुभ रहे हैं यार। भैया अंधेरा हो गया ना, निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमारी मोबाइल्स की बैटरी डाउन हो गई है। आया क्रॉसिंग, रिवर है क्रॉसिंग। भैया इतने कांटे तो कभी नहीं चुभे। मिला रास्ता कोई आगे? लेफ्ट चलो। नहीं ये देखो व्हीकल्स गए हुए, इधर से लेफ्ट चलो है ना। हाँ बस फास्ट चलना थोड़ा यार, अंधेरा होने वाला है। मजबूत डंडा रहता तो डाल के। इधर मॉस्किटो कितना है यार। हाँ मिलेगा अपन को रास्ता, मिलेगा।
नहीं नहीं आगे रास्ता मिलेगा यार, इधर से रिस्क मतलब। अरे देखो ये पगडंडी बनी हुई है, इसे फॉलो करते हुए चलेंगे ना तो निकलेंगे कहीं ना कहीं। हाँ इसको फॉलो करेंगे यार, सुनो आप इधर आ जाओ, इसको फॉलो करेंगे, मिलेगा रास्ता इधर यार, पगडंडी है ना ये। हाँ और इधर से देखो फोर व्हीलर भी निकला हुआ, देखो डबल टायर का वो निशान बना हुआ है ना। हाँ, तो आई थिंक इधर से मेन रोड मिलेगा हमें। यहाँ से देखो कंटिन्यू कितनी ऊंची ऊंची देखो, वहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे हम लोग, इतनी ऊंची बाउंड्री बनी हुई है तार की, मतलब आसपास अब ह्यूमंस तो है इसका मतलब ना। लद्दाख तो मसूरी जैसा हो रहा पूरा ना। कहाँ आई थिंक ये सिंधु रिवर का जो सपोर्टिंग जो होती है ना रिवर्स, छोटी छोटी जो होती है। जल्दी निकलो यार, अंधेरा हो रहा। अब उधर तो ठीक ठाक पानी बह रहा है, इधर चले आगे। चलो वापस उस, अब तो हमें रास्ता तो मिलेगा ही नहीं अब, जाना तो वहीं से पड़ेगा। जहाँ से आए वो यार, इसको तो वाटर फ्लो भी बहुत तेज दिख रहा है। गहरा तो काफी है यार, वो बंदा नजर आ रहा देखो उधर एक। हाँ रुका वो, रुका रुका इशारा देख के रुका है वो, रुका है वो। हाँ अंधेरा हो जाएगा, दिक्कत होगी फिर निकलना। ओए निकलेंगे कैसे, डंडे को गाड़ के निकालो सर, मैं इसमें खींच लूंगा एक कैंपर। हां वो तो चल 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 पड़े, देखो सर कितना गहरा पानी है देखो। हां चलो यहां से जंप करो। मेरे लग रहा पर चलते चलते सिंधु घाट फिर आगे जाएंगे। इंडिया माने तो देखो इधर, समय ले जाना है, ले जाना है मेन रोड पे निकलना है हमें ना। चोगलम सर, चोगलम सर। हाँ
क्या? और इधर से है कोई रास्ता जिससे इधर पहुंच जाएं? इधर रोड पे किधर की तरफ से चढ़ना पड़ेगा? हाँ कितना आगे? और इधर से? इधर से? इधर से नजदीक पड़ेगा? इधर से? इधर ही बता दो ना हमें रास्ता। आप जा रहे हो उधर ही? चलो चलो आपके साथ ही। थैंक गॉड हमें यहाँ के लोकल निवासी मिल गए और अब हम उन्हें फॉलो करेंगे। वो कह रहे हैं कि लगभग लगभग यहाँ से आधा घंटे का रास्ता है, तो अब हमें फिर से वापस निकलना है। यहाँ के लोकल्स मिले हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमें फॉलो करते हुए आइए, तो हम उसको उनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। कितना गहरा है यार, जबकि अपन सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं है ना। ये कुछ फ्रूट तोड़ के लाया है ना जंगल से, है ना? किधर गया वो लोग? हम लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। काफी है यहाँ, हम पैदल चल रहे हैं, काफी हमें काट रहे हैं। हाँ इस वाले रास्ते से हम निकले थे जंगल से, और फिर हम यूँ इधर निकल गए, लेकिन जो लोकल्स मिले हैं उन्होंने हमें फिर से इस रास्ते पे जाने के लिए बोला। क्या कह रहे हैं आगे है रास्ता? उस स्विच खोलना पड़ेगा फिर से, यहाँ से निकलना है हमें। मैं तो चला गया होता। चलो स्विच खोलते हैं ना। चलो सर चलो। हाँ हाँ
लग रहा है, ठंडा पानी। गिर नहीं जाना फिर से। तो फ्लो है यार पानी में, है ना। वो लोग निकल ना जाए। देखो अपनों को कहाँ मिलता है ये रास्ता है, हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि ये रास्ता मिलेगा हमें। एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग और है, और यहाँ हमने शूज ओपन कर दिए और कांटे काफ़ी चुभ रहे हैं हमारे। इन भैया ने हमें जंगल से बाहर निकाला, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनकी फैमिली है और ये इनका छोटा सा, एक छोटा सा घर है, ये इनके बच्चे हैं। हेलो जुले, ये इनका घर है और ये आई थिंक ये मुर्गी है। दोस्तों एक गलत मोड़ की वजह से हम जंगल में भटक गए और हमें अगर स्थानीय निवासी नहीं मिलता तो शायद हम जंगल से बाहर नहीं निकल पाते और हमें रात जंगल में ही बितानी होती और हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, क्योंकि हमें जंगल में रात बिताने का कोई भी अनुभव नहीं था और हमारे पास कोई भी कैंपिंग के इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। हमने इस जो जंगल ट्रैक किया, फॉरेस्ट ट्रैकिंग की, उसका अराउंड 13-14 किलोमीटर का ट्रैक किया। हमें जो स्थानीय निवासी मिला उनकी बदौलत हम बाहर निकल पाए। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आपने वीडियो लास्ट तक देखा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।